आगे का नज़ारा कुछ इस तरह है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 10 कदमों के आगे कुछ दिख नहीं दे रहा, वो सामने एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है, आपको दिखाई दे रही है, अभी कुछ हल्क दिखाई दे रहा आपको ना, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल इतनी खतरनाक धुंध है। कल बरसात होने के बाद ही ठंड पड़ने लगी, पहले तो ठंडी नहीं थी बिल्कुल भी, 11 महीना निकल गया पूरा। आज लेट हो गई तो गाइस जल्दी जल्दी जा रहे हैं, चाबी लेके दुकान की, चाबी लेके दुकान चले, अगर वहाँ पे कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों चलते हैं अभी। तो गाइस अभी हम दुकान पे आ गए, अभी टाइम हुआ 9 बजे का, अभी भी मौसम बिल्कुल इस तरह, देखो मौसम पूरा एकदम चेंज हो रखा है, अभी तो कुछ ना कुछ दिखाई देने लग गया है। तो भाई ये गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आज देखो धुंध कल से भी ज़्यादा आई है, आज तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कल भी थी, क्योंकि मैं कल का वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए कल का और आज का साथ में कर दूंगा, क्योंकि लंबा ब्लॉग बन नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी काम हो गया था इसकी वजह से, इसलिए मैं कल का और आज का धुंध दोनों ही, सॉरी कल का और आज का वीडियो दोनों साथ में चला दूंगा मिक्स करके। ये देखो सामने घर है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और टाइम अभी क्या हुआ है, लमसम 8:15 का, और इस टाइम में दुकान पे जा रहा हूँ, और बाजार के अंदर सबसे पहले दुकान मेरी खुलती है, गर्मियों में 6:30-7 बजे खुल जाती है गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर भी 8 बजे खोलनी पड़ेगी, 8:15-8:30। ये देखो दोस्तों बिल्कुल भी बिल्कुल भी तो मेरी तो आप लोगों से यही उम्मीद है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और इस धुंध के अंदर गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाएं, कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, वरना गाड़ी लेके घर से ना निकलें, क्योंकि इस धुंध के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और जो ट्रक वाले होते हैं वो जो नींद की हालत के ख़राब के वजह से गाड़ी नीचे उतर जाती है, और एकदम पास आते ही गाड़ी दिखाई देती है, गाड़ी आ गई अचानक, और गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल भी। अंकल जी का फोन आ रहा है, तो आगे कुछ दिखाने लायक वहाँ दिखाएंगे जरूर, धन्यवाद दोस्तों। दुकान पे आ गए, दुकान पे आने के बाद सारा काम कर लिया, दुकान का साफ सफाई करके साफ सब सब जोड़ के फिर गए। कल हमारे पड़ोस के अंदर मदन भाई जी, उसके उनके घर वाले को बुखार आ आते दिन हो गए, 2-3 दिन कमर में दर्द से मुँह खारा, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, कल शाम को तो रोने लग गए, कल जांच करवाई थी, उस जांच के अंदर डेंगू पॉजिटिव आया था, तो कल मेडिसिन और इंजेक्शन दिए थे, ड्रिप वगैरह लगाई थी, तो आज वो भी पूछते हैं कैसे कैसे नहीं है। अब क्या है भाभी, और डेंगू है नहीं, बजो है डेंगू, बजो की खोया ज्यादा ना खो, की एक सुबह एक शाम की भी एक ही बहुत है, ठीक है, दलियों खिचड़ी दो, रोटी सफाई बंद कर दो, बिल्कुल भी हार पर दुख है, डेंगू काल खतरनाक, 2 दिन से ना ले, 2 दिन से आपका रिपोर्ट जांच नहीं करवा रही, ज़्यादा हालत खराब हो जाए, और तो ठीक है गौर कर ली, तो दर्द वास्ते और वास्ते पापा गोले देता पाऊँ हम तो, क्यों तो जितने गोले नसो जितने आराम रहे, तो फिर भी है
कोई नहीं राम आज कल तो पहला दिन नहीं हो आज दर्शन लाग सी नहीं बढ़िया राम पूरा राम आ जाए वो तो पास में थोड़ा सा सॉन्ग चल रहा है थोड़ा इग्नोर करना ये हमारे पड़ोसी कर दूध है देखो कितना खतरनाक गंदगी फैल रखी है दुकान के आगे अब इनको बोले ना तो फिर नाराज हो जाए सुबह बर्तन यहाँ पे मांग लेते हैं शाम को भी यहाँ पे बर्तन मांगते हैं और पानी गंदा यहाँ पर देते हैं क्योंकि पूछते हैं फिर बोलते हैं नहीं हमने नहीं डोला पानी मेरे कौन गिरे पानी क्या हिंदी मारवाड़ी मिक्स रहा तो गाइज एडजस्ट कर लेना भाई निकाल रहे हैं झाड़ू गोबर पड़ा है गोबर के आसपास से निकाल रहे हैं ऐसे नहीं गोबर को सबके बाद चाड़ियों पहेंगे वो देखिए मांगी अमली सब्जी लगा रहा है जरा पिकअप से दिन में पिकअप से उतार के यहाँ पे सब्जी करते हैं वो देखो सारे उसका बाप लगा उतारने के लिए सारा गंदा वो नहीं उतार रहा बिल्कुल भी अरे बाप ने कहते उतारो ये को नंदराम जी सब्जी लगा ले वो उतार ले दिल से बैठो बाप उतारे नहीं शर्म में बोझा हमारे मोटे देख बेचारे देखो पशु खड़े हैं ये सारा गौशाला के अंदर थे सभी को निकाल दिए ये दो लड़के जा रहे हैं ये जावत बेटा ये है बेग आ लगे लाई कितना कितो पटा का ये सब सोने ताड़ने जावे और किने कौन से नहीं बहुत देखो देखने वो उन सो ला गए थे कितनी हाइट है बंदे की खुद की दुकान भी कर सके वो तुमका कुतर तो पहला वेदू कौन लागे तुम बोलो वेदू रुपया दें तो बढ़िया दस 15,000 रुपया पर वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होने के बाद उन्होंने निकाल दिया वहाँ से पीछे भाई जी देखो 2 रुपया दो रहे हैं दूध के लिए छोटो रुपया स्कूल में डाल दिया अभी चाय बनाएंगे चाय बन रही है अभी क्या अहो साफ सफाई हो गई अरे वाह ये देखो गाइस एकदम शुद्ध मावा के पेड़े इधर देखो बर्फी मिल्क केक ये इधर ये चक्की इधर ये बेसन चक्की ये गुलाब जामुन ये सोन पापड़ी का डब्बा खाली पड़ा है लड्डू ग्वार पेठा टांगर ये इधर पृथ्वी भाई जी ये उधर बिस्कुट है डब्बा खाली पड़ा है उधर ये फ्रीज इधर ये इधर ये देखो मांगिया मिर्चा लगावे सुबह सुबह टेक गोली सॉरी सॉरी दोस्तों मुंह से गाली निकल गई तो सॉरी गाइस ये देखो स्टारडी से मोटरसाइकिल लेके आता है देखो 9-10,000 रुपये क्यों खेत में काम करे कोई खेत में काम करे तो कुछ आज पंथी में एक बार वो जमीन आवे पर बाप कौन जी सके क्यों मिट्टी माड़ी है काम करने की खेत का काम तो मरे कौन करे वो देखो तो जरा देखो जरा थैलियाँ खावे थैलियाँ घास फूस कचरो ये खा के टाइम पास करे जरा या फिर आगे सब्जियाँ मुँह मारे तो सब्जियाँ में मुँह मारे तो डांग मारे तो क्या करे जरा पेट वास्ते क्यों करना पड़ा ही आने चंगा बोल गौशाला के अंदर आ भी लेकिन गौशाला निकाल दो बारे क्या करें बहुत पशु निकाल देते हैं जो काम के पशु होते हैं ना उनको रखते हैं गौशाला के अंदर दूध देने वाली गाय हो गई और टंकी जैसे कोई बैल हो गया उनको रखते हैं बाकी को निकाल देते हैं वो उधर कद्दू दुकान खोल रखी है मोबाइलों की ना आगे आओ को नहीं सिंड पर बोकर सद्या के माँ तो रमसम 6 महीनों एक बार ना हो वो बंदो बंदो रिकॉर्ड है गज्जू को 6 महीने में एक बार ही नानो है दुकान देखो है दुकान और करी है दुकानदार नियम के हुए सुबह सुबह ना आगे आनो ना आगे आगे सफाई करनी धूप बत्ती करके मालिक को नाम लेनो वो देखो यहाँ पोचा मारे हाथ करते अल अलग हैं तो डिग्गी में डबोली के सब पेड़े इधर इधर अमृत भाई आ रहे हैं और अमृत भाई क्या हाल है
एक नंग प्रमोशन करोगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। छोटा बच्चा उतार रहे, ये बाल मजदूरी करा रहे थे, छोटा टब्बर में करा के दुकान के ऊपर काल संग बोलने की और छोटा बच्चा ना लगाओ बेटा, फिर भी सामान जे छोटा बच्चों सर गिर जाएगी, खेलना कूदने का दिन नहीं पड़ेगा। तो गाइस धन्यवाद, पूरे दिन में सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पूरे दिन का रिकॉर्ड कर नहीं सकता। ये देखो क्योंकि पूरा दिन रिकॉर्ड करने लमसम वीडियो हो जाएगी, लमसम 5-6 घंटे की, पूरे दिन बस यही सिलसिला रहेगा। सब्जी उतारनी, निकालनी, डालनी, ग्राही रहते हैं, दुआई देते नहीं, कुछ को दिखाने लायक बहुत दिन में दिखाएंगे, वरना ब्लॉग को वैसे यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद भाई।